हेलो 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 या हाय गाइस, क्या हाल हैं आप लोगों के? आई होप सब कुछ एकदम बढ़िया होगा। आज की वीडियो किस बारे में है जरा हम लोग समझते हैं। आज की वीडियो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में है जो कि बिलोंग करता है क्लास 11th की माइक्रो इकोनॉमिक्स से। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 11th का ये चैप्टर है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में कौन सा चैप्टर? जो भी बुक आप रेफर कर रहे हैं उसमें जो लास्ट चैप्टर है आपका, दैट इज प्राइस डिटर्मिनेशन एंड एंड इट्स सिंपल एप्लीकेशन। प्राइस डिटर्मिनेशन एंड सिंपल एप्लीकेशन। अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनो, क्या इस चैप्टर के इंटेंट है, क्या इस चैप्टर की वैल्यू है आपके एग्जाम्स में, मैं आपको बता देता हूं। देखो, ये चैप्टर दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से लाइक माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो फंडामेंटल है वो आपको इस चैप्टर में इसका क्रक्स मिल जाएगा। और दूसरी जो चीज है वो है इसके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम्स में अच्छे खासे क्वेश्चन आएंगे, आप तैयार होकर जाइएगा। बिल्कुल इसे छोड़ने की गलती गलती से भी मत कर देना, क्योंकि बहुत बड़ी गलती हो जाएगी ये। तो क्या है प्राइस डिटर्मिनेशन और सिंपल एप्लीकेशन में, क्या इसके लिए हमें कुछ पहले चैप्टर्स की नॉलेज होनी जरूरी है? जी हाँ, इसमें आपको जो मेजरली आपको पता होना चाहिए वो आपको दो चीजों के बारे में जरूर पता होना चाहिए। एक है लॉ ऑफ डिमांड और एक है लॉ ऑफ सप्लाई। ये दो चीजें क्या होती हैं आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद आपको आता होगा, बट मुझे पता है कि कई आप में से बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई ना पढ़ा हो, तो डायरेक्टली अगर वो बच्चे चैप्टर कर रहे हैं तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं हर वो एरिया को एक बार कवर करके चलूं कि जो अगर जिस बच्चे ने वो नहीं भी पढ़ रखा है उसको ये आता हो। ठीक है ना, आइए जरा समझते हैं इस चैप्टर की इंटेंशन क्या है। देखो, चैप्टर में मांगा गया है प्राइस डिटर्मिनेशन, लाइक हाउ वी डिटरमाइन द प्राइस। प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है कि किसी चीज का प्राइस, मान लेते हैं ये पेन है, ये पेन है, इस पेन का प्राइस कितना होगा? 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपए, कितना प्राइस होगा? ये क्या चीज डिसाइड करती है? तो ये हर कोई जानता है कि मार्केट जो फोर्सेस होती है कि इसकी मार्केट में डिमांड कितनी है, कम डिमांड है, ज्यादा डिमांड है, ये चीज डिटरमाइन करती है कि इसका प्राइस कैसे होगा। तो हम विद द हेल्प ऑफ कुछ कर्व्स, कुछ फॉर्म ग्राफ्स की फॉर्म में हम लोग इस चीज को डिटरमाइन करने की कोशिश करेंगे कि किसी भी चीज का जो प्राइस होता है एग्जैक्टली वो कैसे डिटरमाइन होता है। आइए जरा देखते हैं इसमें हम लोग जो भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस होती हैं, जितने केसेस पॉसिबल हैं, जिन केसेस में ये चीज फॉल हो सकती है, हम वो सारे केसेस पढ़ने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ बेसिक बातें बता देता हूं। एक चीज होती है बेटा, एक होती है मार्केट डिमांड और एक चीज होती है मार्केट सप्लाई, और एक चीज होती है मार्केट सप्लाई। दोनों बातों में मैं एक बार आपको डिफरेंस बता देता हूं क्या होता है। मार्केट डिमांड कुछ नहीं है, किसी भी चीज की एक मार्केट है, किसी भी चीज की एक मार्केट है। मैं एग्जांपल ले लेता हूं सब्जी मंडी का। आप लोगों ने अभी बहुत ज्यादा मार्केट्स नहीं देखी हुई है, बट सब्जी मंडी मोस्ट प्रोबेबली हर बच्चे ने देखी हुई है। सब्जी मंडी में एक सब्जी मंडी है, मान लेते हैं आपके घर के पास की जो मंडी है, उसमें टोटल एक दिन में कितने लोग खरीदने आते हैं, यानी कितनी डिमांड करने आते हैं, पूरी मार्केट में जितने बायर्स हैं वो कितनी डिमांड एक साथ करते हैं, वो हो जाती है उसकी मार्केट डिमांड। तो फिर भला मार्केट सप्लाई क्या होती है? मार्केट सप्लाई को आप इस तरीके से समझ लो कि उस मंडी में जितने सब्जी वाले बैठे हुए हैं, वो सब्जी वाले कितनी सब्जियां बेचने के लिए बैठे हुए हैं, वो हो जाती है मार्केट सप्लाई। ओके, अब मेरी बात सुनो। इस मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई से डिराइव्ड एक वर्ड निकलता है जिसका नाम है मार्केट इक्विलिब्रियम। मार्केट इक्विलिब्रियम। अब भला ये मार्केट इक्विलिब्रियम क्या है, और पूरा चैप्टर इस पॉइंट के ऊपर रिवॉल्व करेगा, मार्केट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम के ऊपर। जरा देखो, मैं आपको इक्विलिब्रियम बताता हूं, एक ऐसे स्टेट जहां पे मतलब सब कुछ बराबर है। बराबर यहां पे किस चीज के बारे में बात कर रहा हूं? मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई बराबर है। इसका एग्जांपल मैं बताता हूं आपको क्या है। ये देखो, मेरे घर के पास एक रोड है जहां पे 10 सब्जी वाले बैठते हैं, 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये सब्जी नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ध्यान से देखना, ये 10 सब्जी वाले बैठते हैं और ये पूरी की पूरी एक मार्केट फॉर्म करते हैं सब्जी की। ठीक है, इस सब्जी की दुकान पे मान लेते हैं इस सब्जी मंडी के अंदर रोज कितने आते हैं? 500 कस्टमर्स आते हैं, 500 कस्टमर्स आते हैं या बायर्स आते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनना, मार्केट इक्विलिब्रियम की सिचुएशन क्या होगी? देखो, मार्केट सप्लाई क्या होता है? मार्केट सप्लाई होता है जो 10 के 10 सेलर्स हैं, ये जो 10 के 10 सेलर्स हैं, ये टोटल कितनी सब्जियां बेचने आए हैं, मान लेते हैं ये लोग टोटल 500 kg सब्जियां इनके पास हैं बेचने के लिए, टोटल 500 kg सब्जियां हैं जो वो सप्लाई करना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं। और ये जो 500 कस्टमर हैं, ये भी कितनी सब्जियां खरीदने आए हैं? एक्चुअली ये लोग आए हैं 500 kg ही सब्जियां खरीदने के लिए। ऐसी सिचुएशन रियल लाइफ में नहीं होती है, मैं आइडियल सिचुएशन बता रहा हूं। तो मार्केट इक्विलिब्रियम पता है हम क्या कहेंगे कि 500 कस्टमर जब सब्जियां लेने आए तो एक भी कस्टमर को खाली हाथ नहीं जाना पड़ा,
एक भी कस्टमर को खाली हाथ नहीं जाना पड़ा, यानी कि जितने कस्टमर्स आए उन सबको उनकी सब्जियां मिल गई। और जितने सप्लायर्स बैठे थे, ये जो 10 सप्लायर्स बैठे हुए थे सब्जी मंडी में, इन सब्जी वालों की एक रुपए की भी सब्जी बची नहीं, सारी की सारी सब्जी बिक गई। यानी कि खरीदने वाले की कोई इच्छा नहीं रह गई, मतलब जितना उसे खरीदना था उसने उतना खरीद लिया, बेचने वाले को जितना बेचना था उसने उतना बेच दिया। तो ऐसी सिचुएशन को हम कहते हैं कि मार्केट इक्विलिब्रियम हो गई, यानी कि अ सिचुएशन वेयर मार्केट डिमांड इज इक्वल टू मार्केट सप्लाई, मार्केट डिमांड इज इक्वल टू मार्केट सप्लाई। क्या बात समझ आ रही है? अब मेरी बात सुनो, मान लेते हैं 10 के 10 सप्लायर क्या बेच रहे हैं, टोटल आलू बेच रहे हैं, पोटैटोस बेच रहे हैं, पोटैटो बेच रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, आपको देख 10 सप्लायर देख के पता चल गया होगा कि ये कौन सा है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन है। हम परफेक्ट कॉम्पिटिशन की बात कर रहे हैं कि देयर इज अ परफेक्ट कट थ्रोट कॉम्पिटिशन बिटवीन दीज 10 सप्लायर्स। तो इसमें जो इस मार्केट के अंदर जो प्राइस है, आपको पता ही होगा कि जो सप्लायर होता है वो प्राइस टेकर होता है, और जो इंडस्ट्री होती है, जो सब्जी मंडी है, वो प्राइस मेकर होती है। यानी कि मार्केट ने जबरदस्ती एक प्राइस बना दिया है आलू का 20 रुपीज पर केजी। हर कोई क्या बोल रहा है कि आलू 20 रुपए किलो, आलू 20 रुपए किलो, आलू 20 रुपए किलो। ये हो गया आलू 20 रुपए किलो का प्राइस। अच्छा, 20 रुपए का जब आलू होता है तो फिर ये सिचुएशन आती है जहां पे कस्टमर सारा खरीद लेता है और सेलर सारा बेच देता है। तो ये जो इक्विलिब्रियम की सिचुएशन पे जो प्राइस निकल के आता है उसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस। उसे हम कहते हैं कि ये इक्विलिब्रियम प्राइस है, यानी कि जिस प्राइस पॉइंट पर ये मार्केट इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो रहा है। क्योंकि आपको पता है कि प्राइस अगर ज्यादा हुआ तो जो खरीदने वाले हैं वो कम सब्जियां खरीद के ले जाएंगे, और अगर प्राइस कम हुआ तो जो बेचने वाला है बेटा उसकी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाएंगी। बात समझ रहे हो? इसलिए इक्विलिब्रियम प्राइस का प्राइस क्या चीज है, जिसमें बायर भी खुश, सेलर भी खुश, सब खुश। मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं, एक शेड्यूल, शेड्यूल मतलब होता है जो टेबल रिप्रेजेंटेशन होती है उसके थ्रू आपको बताता हूं। ये टेबल मैंने पूरी की पूरी उठाई है संदीप गर्ग बुक से, क्लास 11th की बुक है, बहुत प्यारी बुक है, उसके अंदर ये बहुत अच्छे से समझा रखा है। आइए जरा समझते हैं। देखो, चॉकलेट की मार्केट है किसी, मान लेते हैं एक मंडी है जहां पे सिर्फ चॉकलेट मिलती है, ऑल्दो ऐसी कोई मंडी होती नहीं है, वो अच्छी शॉप्स पे, कन्फेक्शनरी की शॉप्स पे मिलती है। मान लेते हैं भाई चॉकलेट की एक बाजार है, वहां पे जब किसी चॉकलेट का, देखो किसी चॉकलेट का प्राइस जब 2 रुपए होता है, ठीक है ना, तो टोटल डिमांड कितनी, देखो मार्केट डिमांड कितनी हो जाती है, 100 यूनिट हो जाती है, बट 2 रुपए बहुत सस्ते होते हैं बेटा, तो जो सप्लायर है वो ज्यादा नहीं बेचना चाहता, वो इंतजार करता है कि कब ये महंगा होगा। तो आपको तो पता होगा ना कि प्राइस जब कम होता है तो सप्लायर सप्लाई कम करता है, प्राइस अगर कम होगा तो जो बायर है वो डिमांड ज्यादा करेगा। यहां पे वो पॉइंट आ जाता है कि लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है और लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है। जिसको पता है वो ये बात समझ चुका है, जिसको नहीं पता उसको मैं बता देता हूं। लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है बेटा, कि देखो प्राइस अगर ज्यादा है तो डिमांड क्या करेगा, कम करेगा बायर। ऑफ कोर्स ये बात है, अपने आप को देख लो, किसी चीज का जब प्राइस ज्यादा होगा तो आप डिमांड कम करोगे, पर अगर इसी चीज का प्राइस कम हो जाएगा तो आप क्या करोगे, डिमांड ज्यादा करोगे। बट सप्लायर क्या करता है, सप्लायर बिल्कुल उल्टा चलता है, प्राइस और डिमांड में सप्लायर के केस में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। यानी कि अगर प्राइस किसी चीज का कम हुआ तो यार, अगर आप किसी चीज के सेलर हो और प्राइस उस चीज का कम हो गया है तो आप कम सप्लाई करना चाहोगे ना, तो सप्लाई भी कम हो जाएगी। बट अगर प्राइस ज्यादा हो गया तो सप्लाई क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। इसी रूल को अब हम यहां पे देखने वाले हैं। देखो जब प्राइस ऑफ चॉकलेट 2 रुपए था तो सिर्फ कितनी, देखो 100 यूनिट्स लोग क्या कर रहे थे, डिमांड कर रहे थे, और ये सिर्फ 20 यूनिट क्या कर रहे थे, सप्लाई कर रहे थे। तो एक बात बताओ, यहां पे डिमांड कितनी हो गई है, 100 हो गई है, सप्लाई कितनी है, सिर्फ 20 है। डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, जब डिमांड इज मोर देन सप्लाई तो हम कहते हैं कि भैया ये तो एक्सेस डिमांड है। एक्सेस डिमांड मतलब डिमांड ज्यादा है सप्लाई से। अब ये एक्सेस डिमांड और एक्सेस सप्लाई यहां पे अपने घुसा लेना, बिल्कुल बहुत काम आएगी आपको ये वाली चीज। तो देखो यहां पे एक्सेस डिमांड कितनी हो जाएगी, 80 जो यूनिट्स है वो एक्सेस डिमांड हो जाएगी, क्योंकि 100 तो आपने डिमांड करी, 20 ही सप्लाई करने को तैयार है, तो जो 20 कस्टमर है उनको सामान मिल जाएगा, बचे हुए 80 को नहीं मिलेगा, तो वो एक्सेस डिमांड हो गई ना। फिर क्या हुआ, अब देखो जब भी किसी चीज की डिमांड ज्यादा होती है और सप्लाई कम होती है तो नेचुरली प्राइस बढ़ने लग जाता है, ऐसा ही होता है। तो प्राइस बढ़ के कितना हो गया है, मान लेते हैं 4 रुपए हो गया। जैसे प्राइस 4 रुपए हुआ तो देखो प्राइस इंक्रीज हुआ है, जब प्राइस इंक्रीज होगा तो डिमांड कम होगी, क्यों, लॉ ऑफ डिमांड। तो देखो डिमांड क्या हुई, 100 से 80 हो गई, -20 हो गई डिमांड, पर लॉ ऑफ सप्लाई कहता है कि सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी, तो 20 से 40 हुई, यानी कि +20। तो देखो अब क्या हुआ, अभी भी डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, तो देखो पर कितना है, डिफरेंस कम हो गया है, अब सिर्फ एक्सेस डिमांड कितनी है, 40।
बट एक्सेस डिमांड अभी भी है। तो देखो यहां पे एक्सेस डिमांड इन दोनों एरियाज को कवर कर रहा है, इन दोनों पॉइंट्स को एक्सेस डिमांड कवर कर रहा है। अब सप्लायर का लालच बढ़ गया, सप्लायर ने क्या कर दिया, सप्लायर ने प्राइस को और ज्यादा बढ़ा दिया, सप्लायर ने प्राइस को बढ़ा के कर दिया 6 रुपए। फिर लॉ ऑफ डिमांड अपना कमाल करेगा कि जैसे प्राइस बढ़ा डिमांड कम हो जाएगी, 80 से घटके कितनी हो गई 60, यानी कि -20। और लॉ ऑफ सप्लाई ने अपना कमाल किया, सप्लाई बढ़कर इंक्रीज हो जाएगी 40 से 60, यानी कि +20 हो गया। प्राइस बढ़ा तो सप्लाई बढ़ी, प्राइस बढ़ा तो डिमांड कम हो गई। अब जरा देखना यहां पे जो 60 और 60 दोनों के दोनों क्या बराबर है कि जितनी डिमांड थी उतनी ही सप्लाई है। ये सिचुएशन क्या होती है, इसे कहते हैं कि ये आ गया दोस्त इक्विलिब्रियम लेवल, जहां पे मार्केट डिमांड आपकी मार्केट सप्लाई के इक्वल होती है। और जो प्राइस है, जिस प्राइस पे मार्केट इक्विलिब्रियम अचीव हुआ, इसको कहते हैं हम लोग इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम प्राइस। और इक्विलिब्रियम प्राइस पर कितनी क्वांटिटी सेल हो रही है, यानी कि कितनी क्वांटिटी पे ये जो इक्विलिब्रियम सिचुएशन क्रिएट हुई है, जैसे 60 है, इस 60 को हम कहेंगे कि ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है। क्या बात समझ आ गई? तो इक्विलिब्रियम प्राइस, यानी कि जिस सिचुएशन में इक्विलिब्रियम सेट हुआ है, मार्केट इक्विलिब्रियम, उस पे जो प्राइस होगा वो इक्विलिब्रियम प्राइस, और जो क्वांटिटी होगी वो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हो जाएगी। ये एक एक पॉइंट आपका काम आएगा, अच्छा रहेगा अगर आप नोट करोगे साथ के साथ पॉज कर करके, तो आपको और अच्छे से समझ आएंगे ये चीजें। अब जरा देखो भैया, सप्लायर का लालच बढ़ता गया, सप्लायर कह रहा है कि लोग तो अभी भी खरीद रहे हैं, कम खरीद रहे हैं बेशक, पर सप्लायर ने प्राइस तो बढ़ा दिया है ना, सप्लायर का जो प्रॉफिट मार्जिन है अब वो बढ़ रहा है धीरे धीरे। सप्लायर लालच में आ गया और उसने 6 रुपए से प्राइस को बढ़ा के क्या कर दिया, 8 रुपए कर दिया। ये देखो 6 रुपए से बढ़ा के 8 रुपए कर दिया, लॉ ऑफ डिमांड अपना कमाल करेगा -20, ये देखो डिमांड कम हो गई, और लॉ ऑफ सप्लाई अपना काम करेगा +20, सप्लाई बढ़ गई। बट अब गेम उल्टी हो गई है। कैसे उल्टी हो गई है? डिमांड सिर्फ 40 बची है और सप्लाई 80 बची है, यानी कि सप्लाई इज मोर देन डिमांड। ये कौन सी सिचुएशन हो जाएगी? ये हो जाएगी एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन। ये देखो एक्सेस सप्लाई, व्हेन मार्केट सप्लाई इज ग्रेटर देन मार्केट डिमांड। क्या बात समझ आ रही है? फिर 10 रुपीज करा तो देखो सिंपल डिफरेंस और ज्यादा बढ़ गया। क्या ये डिमांड सिर्फ 20 बची है, ये 100 हो गई है, तो यानी कि डिफरेंस कितना हो जाएगा, 80, यानी कि एक्सेस सप्लाई विल बी 80। ये टेबल मैं कह रहा हूं फंडामेंटल को क्लियर करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है, आपको ये टेबल बिल्कुल समझ आ जानी चाहिए, तभी आप आगे बढ़ो तो फायदा है। अगर यहां तक नहीं समझ आया है तो आगे देख के टाइम वेस्ट करोगे, या तो आप दोबारा से वीडियो को देखो अगर नहीं समझ आया, और बट मेरी मुझे लगता है कि आपको ये चीज अब तक समझ आ गई होगी। तो देखो कुछ की पॉइंट जो मैंने यहां से डिराइव किए वो ये है कि एक्सेस डिमांड कब होता है, व्हेन मार्केट डिमांड, मार्केट की जो डिमांड है वो ग्रेटर देन मार्केट सप्लाई होती है। और एक्सेस सप्लाई कब होती है, व्हेन मार्केट डिमांड इज लेस देन, या फिर मार्केट सप्लाई इज मोर देन, मार्केट डिमांड इज लेस देन मार्केट सप्लाई, जितना एक्सेस सप्लाई होगा वो एक्सेस सप्लाई हो जाएगा। क्या बात समझ आ रही है? अब जरा आइए, अब एक और चीज मैं आपको बताता हूं, जरा कुछ बेसिक बेसिक सी बातें जो लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई से रिलेटेड है, एक्चुअली डिमांड और सप्लाई चैप्टर से रिलेटेड है। आपको एक बात पता होगी कि अगर देखो चेंज इन, एक होता था चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ये कब होता था, डिमांड में अगर चेंज आ रहा है ड्यू टू चेंज इन ओन प्राइस, यानी कि किसी चीज का प्राइस देखो जब पहले मान लेते 10 रुपीज था तो उसकी डिमांड कितनी होती थी बेटा, 100 यूनिट्स होती थी। अब प्राइस के बढ़ जाने से मान लेते प्राइस 15 रुपए हो गया तो डिमांड कितनी हो गई है, 70 हो गई है, कम हो गई है। तो इसे हम कहते हैं कि यह हुई है चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। पर अगर प्राइस सेम है, प्राइस सेम है, प्राइस 10 रुपए ही है पर डिमांड घट के 70 हो गई है, किस रीजन की वजह से, बाकी बचे हुए 6 रीजंस की वजह से, जैसे चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस, सब्स्टिट्यूट गुड या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस में चेंज होने की वजह से, या इनकम ऑफ द कंज्यूमर के चेंज होने की वजह से, वो जो अलग अलग फैक्टर्स और डिटर्मिनेंट्स थे ना डिमांड के, उनके चेंज होने की वजह से अगर प्राइस में डिमांड में चेंज आया है तो हम उसको कहते हैं सिर्फ चेंज इन डिमांड, चेंज इन डिमांड। यानी कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड में क्या होता है, प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी चेंजेस, और जब चेंज इन डिमांड होता है अदर देन प्राइस चेंजेस, अदर देन प्राइस, प्राइस के अलावा चीजें चेंज हो जाती है, ठीक है ना। अब आ जाओ जरा, जब भी चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड होता है बेटा तो क्या होता है, मूवमेंट अलोंग, मूवमेंट अलोंग सेम डिमांड कर्व, सेम डिमांड
कर्व। ऑल्दो ये चीजें आपकी डिमांड और सप्लाई चैप्टर की है, बट मैं यहां पे सिर्फ रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से करा रहा हूं। मूवमेंट अलोंग सेम डिमांड कर्व, कैसे डिमांड कर्व होता है आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग। ये रहा आपका मान लेते हैं प्राइस और ये रही आपकी क्वांटिटी। अगर प्राइस बढ़ने की वजह से, ध्यान से देखो क्या हुआ है बेटा, प्राइस बढ़ने की वजह से P1 यहां पे आ गया, आपकी जो डिमांड है वो कम हो जा रही है, कितनी हो जा रही है Q1। तो देखो यहां पे जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ये कहां जा रहा है ऊपर, यहां पे देखो इंटरसेक्ट कहां कर रहे हैं दूसरी जगह, ये अपवर्ड स्लोपिंग है। यानी कि अगर इसकी वजह से डिमांड कम होती है, अगर डिमांड कम हो रही है तो हम कहेंगे कि जी अपवर्ड स्लोपिंग है, अपवर्ड स्लोपिंग होगा। बट ऑपोजिट हो जाएगा, अगर डिमांड इंक्रीज हो रही है, क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो रही है, तो वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। ये बात समझ आ रही है, ठीक है ना। और अगर इस वजह से चेंज इन डिमांड अगर हुई है, यानी कि प्राइस के अलावा किसी और रीजन की वजह से है, तो अगर देखो डिमांड अगर डिक्रीज हो रही है तो फिर क्या हो जाता है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाता है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाता है। पर अगर डिमांड इंक्रीज हो जाती है तो फिर राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता है। अगर बातें किसी बच्चे को नहीं समझ आ रही तो प्लीज मेरी आप डिमांड की वीडियोस देखो, आपको उसके बाद समझ आएगी, क्योंकि अभी फिर आपके काम की चीज नहीं है। इससे ज्यादा डिटेल में बताने का मतलब है कि मैं डिमांड चैप्टर दोबारा करा रहा हूं, ठीक है ना। तो प्लीज आप वो क्लियर करो, उसके बाद यहां पर आना। सेम चीज आपकी सप्लाई कर्व पे भी आएगी कि अगर सप्लाई मतलब किसी और फैक्टर की वजह से, प्राइस के अलावा किसी और फैक्टर की वजह से अगर सप्लाई इंक्रीज हो रही है तो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, डिक्रीज हो रही है तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा पूरा सप्लाई कर्व। और अगर जो प्राइस की वजह से हुआ है तो मूवमेंट अलोंग द सेम सप्लाई कर्व होने लग जाएगा, ये फंडामेंटल है। अब जरा आइए मैं आपको बताता हूं कि कैसे हम इसको डिटरमाइन करेंगे। मेरी बात ध्यान से देखो, आपका जो देखो याद रखना, इस पूरे चैप्टर में आप एक्स एक्सिस पे क्या लोगे, एक्स एक्सिस पे आपको पूरे चैप्टर में लेना है क्वांटिटी डिमांडेड ऑब्लिक क्वांटिटी सप्लाइड, दोनों चीजें क्वांटिटी डिमांडेड एंड क्वांटिटी सप्लाइड दोनों चीजें यहां पे आ जाएंगी। क्या हो रहा है, हाँ क्वांटिटी सप्लाइड ये एक्स एक्सिस पे आ गया, और वाई एक्सिस पे क्या आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ प्राइस आ जाएगा वाई एक्सिस पे। कुछ दिक्कत आ रही है, रुको जरा एक मिनट, थोड़ा सा ना शायद कनेक्ट होने में दिक्कत ले रही है। वन सेकेंड गाइस, टेक्नोलॉजी से मार गए भाई, मार खा गए। क्या हो रहा है यार, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, एक मिनट यार इसे जरा बंद करें, दोबारा चालू करके देख लेते हैं एक बार, क्या पता बात बन जाए। आ गया, क्या बात है, बहुत बढ़िया, सही हो गया। चलो गाइस आ जाओ, अब मेरी बात जरा ध्यान से समझना, मैं तो भूल ही गया मेरे को बताना क्या था। हाँ, अब आप जरा यहां पे देखना ग्राफ में कैसे प्लॉट करके दिखाएंगे हम लोग। आपको पता ही है जो डिमांड कर्व है वो क्या हो जाता है बेटा, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है। तो देखो इसको DD लिख दो, जो डिमांड कर्व है। सिमिलरली जो आपका सप्लाई कर्व होता है बेटा वो क्या होता है, अपवर्ड स्लोपिंग होता है, अपवर्ड स्लोपिंग। तो इसे SS लिख लो ऐसे करके। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, जहां पे बेटा ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि देखो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब पता है क्या है कि इस पॉइंट पे डिमांड और सप्लाई इक्वल है, क्वांटिटी डिमांडेड एंड क्वांटिटी सप्लाइड आर इक्वल एट दिस पॉइंट। इस पॉइंट को नाम देंगे इक्विलिब्रियम, यही तो मार्केट इक्विलिब्रियम है, जहां पे मार्केट डिमांड इज इक्वल टू मार्केट सप्लाई हो जाती है। और इस पॉइंट पे जो प्राइस होगा, ये देखो जो प्राइस होगा ये पी, ये क्या हो जाएगा इक्विलिब्रियम प्राइस। और इसी पॉइंट पे जो क्वांटिटी होगी, ये देखो ये जो क्वांटिटी ऑफ डिमांड या क्वांटिटी ऑफ सप्लाई,
जो होगी क्यू, इसे क्या कहेंगे? इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कहेंगे। देखो जरा मैं इसे मार्क करके दिखा देता हूं, ये जो पी है ये बन जाएगा इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, आप भी साथ के साथ लिख लो, आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। ये हो जाएगा इक्विलिब्रियम प्राइस, और ये क्यू क्या हो जाएगा, इसे हम कहेंगे इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। और ये जो ई पॉइंट है, ये जो ई पॉइंट है, इसको कहेंगे हम इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्या बात समझ आ रही है? अभी आपको सिर्फ ये बेसिक चीज यहां पे समझनी जरूरी है। अब जरा देखना, अब मैं आपको सिर्फ यहां पे इतना ही बताया है, अब जरा देखना धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ये देखो, अब हम लोग टोटल इतने नंबर ऑफ केसेस पढ़ने वाले हैं कि किस केस में प्राइस बढ़ेगा, कम होगा, एग्जैक्टली क्या होगा, वो सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। मैं आपको दो या तीन केसेस बताऊंगा, उसके बाद सारे केसेस आप लोग खुद कर लोगे, मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, देखना पक्का। कैसे? जरा देखो, वेरियस केसेस में क्या केसेस आ रहे हैं, देखो, वेरियस केसेस ऑफ चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस, यानी कि अगर किसी भी चीज की डिमांड या सप्लाई चेंज होती है, या तो सिर्फ डिमांड चेंज हो रही है या सिर्फ सप्लाई चेंज हो रही है, या फिर दोनों चेंज हो रहे हैं, डिमांड भी चेंज हो रही है, सप्लाई भी चेंज हो रही है, तो उस केस में आपका इक्विलिब्रियम प्राइस पे क्या फर्क पड़ेगा, यानी कि प्राइस बढ़ेगा, कम होगा, क्या होगा, वो सारे केसेस हम लोग पढ़ने वाले हैं। एंड इतना लॉजिकल होने वाला है ना, ये आपको मजा आ जाएगा पक्का, ये मेरी गारंटी है। आओ जरा जरा ध्यान से देखना। सबसे पहले मैं सारे केसेस को इंट्रोड्यूस नहीं करूंगा, मैं सिर्फ अभी क्या बता रहा हूं कि देखो, सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं कि चेंज इन डिमांड हो रहा है, चेंज इन सिर्फ डिमांड हो रहा है, सप्लाई में कोई चेंज ही नहीं हो रहा है। अच्छा, चेंज अगर मैं बोल रहा हूं चेंज इन डिमांड, तो किसी में भी चेंज का मतलब होता है दो। अगर एक बड़ी सी बिल्डिंग है, एक बड़ी सी बिल्डिंग है बुर्ज खलीफा, बुर्ज खलीफा चेंज हो गई है, मतलब बुर्ज खलीफा की हाइट चेंज हो गई है, इसका मतलब क्या है कि या तो वो लंबी हुई होगी या वो छोटी हुई होगी। सिमिलरली चेंज इन डिमांड अगर मैं बोल रहा हूं, तो इसका मतलब क्या है, इधर इट इज इंक्रीज इन डिमांड और इट इज डिक्रीज इन डिमांड। अच्छा देखो, इंक्रीज इन डिमांड वर्ड मैं कब बोलता हूं, देखो अगर सिर्फ डिमांड बोल रहा हूं तो मतलब फैक्टर अदर देन प्राइस है, और अगर इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड बोल रहा हूं तो यानी कि प्राइस की वजह से चेंज आया है। यहां पे हमने वर्ड यूज किया है क्या, एक सेकंड, यहां हमने वर्ड यूज किया है इंक्रीज इन डिमांड, यानी कि फैक्टर अदर देन प्राइस, यानी कि प्राइस के अलावा किसी फैक्टर की वजह से क्या हुआ है, डिमांड में चेंज आया है। तो हम क्या करेंगे, शिफ्ट इन डिमांड कर्व करेंगे। अब वो शिफ्ट कैसे होगा, मैंने आपको पहले बता दिया है, अब वही चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहला केस हम लोग पढ़ने वाले हैं कि देयर इज ओनली इंक्रीज इन डिमांड। आइए जरा देखते हैं, समझते हैं। सबसे पहले आपको ग्राफ तो बनाना ही पड़ेगा, देखो ग्राफ बनाना ही पड़ेगा। केस वन, इंक्रीज इन डिमांड, सिर्फ इंक्रीज इन डिमांड है, सप्लाई इज सेम। देखो इसे पहले, ये स्टेप्स आपको करने ही करने हैं। सबसे पहले आप यहां पे लिख दो क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाइड, कुल। फिर उसके बाद ये वाई एक्सिस क्या हो जाएगी, प्राइस। ये कोई भी आपसे डायग्राम पूछा जाएगा, ये वाले कुछ चीजें तो प्लॉट करनी है, और क्या आपको प्लॉट करनी है, कम से कम ये देखो, ये एक सप्लाई कर्व बना के दिखा देना, एक इसको क्रॉस करने के लिए डिमांड कर्व बना के दिखा देना। दिस इज डिमांड कर्व डीडी, दिस इज सप्लाई कर्व एसएस। ये बेसिक चीजें हैं जो हर ग्राफ में आपको बनानी है। फिर उसके बाद एक काम लास्ट जो आपको कॉमन करना है हर जगह, वो ये है कि इसको हम कहेंगे इक्विलिब्रियम प्राइस, इसको हम कहेंगे इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, यानी कि क्यू है ये, प्राइस है। जब ये काम हो जाए एक बार लिख लो, उसके बाद सुनना मेरी बात, ये इक्विलिब्रियम प्राइस है। यानी कि देखो, ई क्या है, ई वो पॉइंट है वेयर, मैं सिर्फ लिखवा रहा हूं, वेयर डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, वेयर डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, वो पॉइंट ई हो जाएगा। अब मेरी बात सुनो, हमने क्या बोला है बेटा, देखो मान लेते हैं इस पॉइंट पे डिमांड कितनी थी, देखो डिमांड भी 100 थी और सप्लाई भी 100 थी, मान लेते हैं। अब क्या हुआ है, देयर इज ओनली इंक्रीज इन डिमांड, सिर्फ डिमांड इंक्रीज हुई है, सप्लाई में कोई चेंज नहीं आया है। तो जरा देखना, डिमांड मान लेते हैं इंक्रीज हो गई, कितनी हो गई है, 120 हो गई है, बट सप्लाई तो अभी भी 100 है। यानी कि अब आप कंपेयर करोगे, देखो इन दोनों को, यहां पे क्या हो रहा है, डिमांड ज्यादा है सप्लाई से, तो ये कौन सी सिचुएशन है, ये एक्सेस सप्लाई की, एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है। एक्सेस डिमांड हुई, कितनी एक्सेस डिमांड, 120 माइनस 100, यानी कि 20 की एक्सेस डिमांड हो गई। इतनी बात समझ आती है, एक्सेस डिमांड की सिचुएशन हो गई है, ठीक है जी। पहले अब मेरी बात सुनो ध्यान से, व्हेन देयर इज इंक्रीज इन डिमांड, तो इंक्रीज इन डिमांड में मैंने बताया था राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा कर्व, लो राइटवर्ड शिफ्ट करके दिखा रहा हूं,
ये देखो राइट वर्ड शिफ्ट, और इस डिमांड कर्व का नाम हो जाएगा D1 D1। बात समझ आ रही है? D1 D1 मैंने क्या कर दिया, राइट वर्ड शिफ्ट करके दिखा दिया। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो पूछ लो, नहीं है? अच्छा मुझे एक बात बताओ, अब देखना यहां पे इक्विलिब्रियम पॉइंट कहां था, यहां पे था। बट देखो इक्विलिब्रियम कहां पे होगा, जहां पे डिमांड और सप्लाई इंटरसेक्ट कर रही हो। अब देखना डिमांड और सप्लाई कहां पे इंटरसेक्ट कर रही है, ये देखो इधर कर रही है, नया पॉइंट मान लेते हैं E1 इज द न्यू पॉइंट। डिमांड और सप्लाई कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहां पे, यानी कि एक नया इक्विलिब्रियम पॉइंट एस्टेब्लिश हो गया है जो कि E1 है। अब जरा इसके पैरेलल आप एक बार डिमांड और इसको मिलाना, ये देखो ये हो गया P1 और इसे मैं नीचे ज्वाइन करूंगा तो इसे हम बोलेंगे दोस्त Q1, इसे कहेंगे Q1। बोलो भाई बोलो, पहले तो इतना बताओ, इतना समझ आया आपको या नहीं आया समझ? अब जरा देखना इसका मतलब क्या है, पहले तो एक बात बताओ, इसकी एक्सप्लेनेशन समझो। जब बेटा एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है, कभी भी वेयर देयर इज अ एक्सेस डिमांड, एक्सेस डिमांड का मतलब क्या है कि यार खरीदने वाले ज्यादा हो गए बेचने वाले कम हो गए हैं, तो अब क्या हो जाएगा, खरीदने वालों में एक लड़ाई हो जाएगी, कॉम्पिटिशन अमंग बायर हो जाएगा। देखो क्या हो जाएगा, कॉम्पिटिशन अमंग बायर हो जाएगा, क्या कि अरे ये मैं लूंगा ये मैं लूंगा, कॉम्पिटिशन अमंग बायर हो जाएगा कि ये मैं लूंगा ये मैं लूंगा। और इसके लिए क्या हो जाएगा, बायर इसके लिए ज्यादा प्राइस देने को भी तैयार हो जाएंगे, यानी कि प्राइस क्या हो जाएगा, प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। ऑफ कोर्स ही बात है, प्राइस कहां इंक्रीज हो रहा है, ये देखो नेचुरली प्राइस P1 से शिफ्ट होके कहां आ गया है, P से शिफ्ट होके P1 आ गया है, यानी कि दिस इज इंक्रीज इन प्राइस। अच्छा अब प्राइस इंक्रीज हो गया है तो जरा मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, प्राइस इंक्रीज हुआ है तो फिर क्या चीजें होंगी, दो चीजें होंगी, एक होगा लॉ ऑफ डिमांड और एक होगी लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ डिमांड क्या कहेगा, लॉ ऑफ डिमांड कहेगा कि प्राइस इंक्रीज हो गया है तो डिमांड को क्या कर दो, कम कर दो। और लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहेगा कि प्राइस अगर बढ़ गया है तो सप्लाई को क्या कर दो, बढ़ा दो, सप्लाई को बढ़ा दो। बताओ जी, देख लो देख लो देख लो, दोबारा से एक बार इसको लिख लो। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? अब जरा देखो आपने यहां पे एक्सेस, और ये लोग कब तक बढ़ते रहेंगे, देखो डिमांड तब तक कम होती रहेगी, सप्लाई तब तक इंक्रीज होती रहेगी जब तक क्या नहीं हो जाएगा, एनदर दिस प्रोसेस कॉन्टिन्यूज अंटिल इक्विलिब्रियम पॉइंट अंटिल अ न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट इज एस्टेब्लिश्ड। इस केस में क्या है, दैट इज E1, जब तक एक न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट एस्टेब्लिश हो जाए जिसका नाम है E1। बोलिए भाई बोलिए ब्रदर, तो प्राइस में चेंज होने की वजह से क्या हुआ है, डिमांड में चेंज हुआ, सॉरी प्राइस जैसे डिमांड इंक्रीज हुई, देखो डिमांड इंक्रीज हुई सप्लाई सेम है, यानी कि एक्सेस डिमांड अगर हो गया है तो मतलब क्या होगा, कंपटीशन अमंग बायर्स होगा, मैं ज्यादा प्राइस दूंगा, इस चक्कर में प्राइस जाएगा बढ़, प्राइस जैसे ही बढ़ जाएगा तो उसके बाद क्या हो जाएगा, प्राइस बढ़ने के दो एस्पेक्ट्स हो जाएंगे, एक लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, डिमांड कम हो जाएगी, और लॉ ऑफ सप्लाई के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, सप्लाई बढ़ जाएगी। और ये तब तक देखो एक्सेस डिमांड कब खत्म होगी, जो डिमांड है वो कम हो रही है। देखो ये मान लेते, देखो ये डिमांड है, ये डिमांड ऊपर थी और ये सप्लाई थी, दोनों में डिफरेंस था ना, ये सप्लाई कम है और डिमांड ज्यादा है क्योंकि एक्सेस डिमांड है, और प्राइस बढ़ते क्या हो रहा है, डिमांड कम हो रही है और सप्लाई नीचे से इंक्रीज हो रही है, और ये दोबारा कि जहां पे मिल जाएंगे, ये दोबारा जहां पे मिल जाएंगे एक नया पॉइंट एस्टेब्लिश हो जाएगा E1 कहां दे रखा है, ये दे रखा है। आई होप आपको ये पूरी एक्सप्लेनेशन समझ आ गई होगी, बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो आप पूछ सकते हैं। एक ना मैं आपको इसमें एक चीज बताता हूं, अच्छा बस, और बस आप इसमें और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपके टीचर एक्सपेक्ट करेंगे कि आप ये चीज जरूर लिख के आएंगे, एग्जामिनर ऑफ कोर्स
इस चीज को आप अपनी बुक पढ़ना, उसमें आप डिटेल में देख लेना कि कैसे लिखा हुआ है, इसी पॉइंट को लिखा हुआ है और अलग अलग पॉइंट्स को मार्क किया हुआ है। तो बस आप एक चीज और लिखना चाहो कि प्राइस इज इंक्रीज्ड फ्रॉम पी टू पी वन एंड क्वांटिटी, ये देखो इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम प्राइस इज इंक्रीज फ्रॉम पी टू पी वन एंड एज वेल एज इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी क्या हो गई है, इज इंक्रीज्ड फ्रॉम Q2 Q1। कहां से, ये देखो ये Q से Q1 हो गया, P से P1 हो गया। ये बात समझ आती है? आज की वीडियो में मैं सिर्फ अभी आपको इतना करा रहा हूं, आधे घंटे की ही क्लास करते हैं, 30 मिनट हो गए ना। जो दूसरे चीजें होंगी, जो दूसरे पार्ट होंगे, हम वो अगली वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो लंबी भी हो जाएगी, आपका इंटरेस्ट भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी कई सारी लंबी वीडियोस बना चुका हूं, ठीक है ना। और दूसरी चीज, मेरी दूसरी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, तो इसलिए मुझे अभी फिलहाल के लिए क्लास को रोकना पड़ेगा। चलो एनीवेज, अभी तक के लिए सिर्फ इतना, अगली वीडियो में मिलते हैं। जब तक आप देखोगे डेफिनेटली तब तक अपलोड हो चुकी होगी। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ वंडरफुल डे, बाय बाय, टेक केयर एंड डू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक कर लेना वीडियो को, ठीक है ना, और कमेंट करके थैंक यू बोल देना, या फिर कोई डाउट हो तो डाउट पूछ सकते हो। बाय।